तो आगे कैसे है आप लोग मीडिया टेक ने आज अपना हीलियो G90 और G90T नाम के दो प्रोसेसर को लॉन्च किया है और ये मीडिया टेक की तरफ से एक डेडिकेटेड गेमिंग प्रोसेसर है। तो देखते हैं कि किस किस स्पेसिफिकेशंस के साथ ये दोनों प्रोसेसर लॉन्च हुआ है। हीलियो G90 और G90T 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। अगर इसके ARM आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें दो कोर्टेक्स A76 कोर है और 6 कोर्टेक्स A55 कोर है, मतलब एक ऑक्टाकोर CPU है। अगर इसके GPU के बारे में बात करें तो इसमें लेटेस्ट माली G76 GPU जो कि 800 GHz पे काम करता है और इसमें 10 GB तक का LPDDR4X का सपोर्ट और क्वाड कैमरा स्ट्रक्चर भी इसमें सपोर्ट हो सकता है जिसमें एक डेडिकेटेड 64 मेगापिक्सल सेंसर होगा। और ये जो हीलियो G90 और G90T मार्केट में लॉन्च हुआ है ये डायरेक्ट कॉम्पीट कर रहा है स्नैपड्रैगन 730 और 730G के साथ, क्योंकि मीडियाटेक की तरफ से ऐसा कहना है कि AnTuTu बेंचमार्क के अनुसार ये स्नैपड्रैगन 730 से 3% ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है और स्नैपड्रैगन 730G से 7% ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम गेम लॉन्च की बात करें तो इस रेंज में दूसरे जितने भी प्रोसेसर से उनमें से 34% जल्दी गेम लॉन्च कर रहा है हीलियो G90 और G90T। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें गेम के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। वैसे होना ही चाहिए क्योंकि ये गेमिंग CPU है। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी के लिए हीलियो G90 और G90T मार्केट का सबसे बेहतर मिड रेंज प्रोसेसर है जो कि स्नैपड्रैगन 730 और 730G से भी बेहतर है। वैसे मैंने कुछ देर पहले एक वीडियो पब्लिश किया है जिसमें जितने भी मिड रेंज प्रोसेसर है उन सबका AnTuTu बेंचमार्क स्कोर मैंने कलेक्ट किया है और उन्हें एक लाइन पे सजाए कि चार्ट में लोएस्ट से हाईएस्ट में कौन कौन से प्रोसेसर आएगा। और मैं ऐसा गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो के बाद स्नैपड्रैगन 730 के बाद ये प्रोसेसर होगा, मतलब सबसे बेहतर मिड रेंज प्रोसेसर। और इन दोनों CPU का फ्रीक्वेंसी 2.05 GHz और ये जो माइक्रोचिप है इसे दूसरे सारे प्रोसेसर से अलग करता है क्योंकि इसमें कुछ डेडिकेटेड मोड्स है जैसे कि हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी जो कि गेम खेलने के वक्त इसके CPU और GPU को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा। स्मार्ट नेटवर्क प्रिडिक्शन इंजन जिसके वजह से आप अगर गेम खेलते वक्त अगर कोई सिग्नल से कम डेटा आ रहा है तो ये वाईफाई से LTE और LTE से वाईफाई इंटेलिजेंटली स्विच कर लेगा। अगर इसके दूसरे मोड्स की बात करें तो इसमें HDR10 सपोर्ट जो कि बहुत ही बढ़िया कलर कॉन्ट्रास्ट देगा। रैपिड रेस्पॉन्स इंजन जो गेम खेलने के बाद या फिर दूसरे कम करने के बाद जो स्क्रीन रेस्पॉन्स टाइम है उसे और भी कम करेगा, मतलब और भी स्मूथ टच एक्सपीरियंस होगा। और मीडियाटेक की तरफ से ऐसा कहना है कि बहुत ही जल्द Xiaomi दुनिया का पहला स्मार्टफोन लाएगा जिसमें हीलियो G90 या फिर G90T होगा। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं कि स्नैपड्रैगन 730 और 730G से टक्कर लेने के लिए एक प्रॉपर GPU मार्केट में आया है और जो बहुत सारे कंपनी इस्तेमाल करना भी चाहेंगे और इस पर गेम के लिए बहुत सारे एनहांसमेंट है। तो हम ऐसा फीचर में देख सकते हैं कि 15,000 से 25,000 के बीच में जो जो भी स्मार्टफोन आ सकता है उनमें कुछ गेमिंग स्मार्टफोन भी होगा और मुझे लगता है कि इस साल खत्म होने से पहले ही कुछ मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन भी हमें देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हीलियो G90 और G90T में क्या क्या फीचर्स है और एक किन किन प्रोसेसर के साथ कम्पीट करने के लिए मार्केट में आया है। तो आज का वीडियो यही था, उम्मीद है आज का वीडियो आपका पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू। अगले वीडियो पे तो तब तक स्टे ट्यून एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।